सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। अभी इस वीडियो में ना मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि बहुत अभी ये मान लेते कि हम आपको उस बिल्डिंग की प्लेस मिल गई और अभी आप जर्मनी आ गए हो। तो कैसा होता है जब आप जर्मनी आते हो और आपकी जो पसंदीदा फील्ड है, आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट रहे, आपने इंडिया में जो भी पढ़ाई की है और आपको जिस फील्ड में आपका करियर बनाना है, उसकी हाउस बिल्डिंग करने आप आए हो, यहाँ पर पढ़ने आए हो, तो कभी कभी क्या हो जाता है, पहले 6 मंथ्स में ना थोड़ा यहाँ पे आपको समझ में आ जाता है कि कैसे ये मतलब फंक्शन कर रहा है हाउस बिल्डिंग। आपको स्कूल जाना है, सब चीज़ें जर्मन में है और यहाँ पे काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, तो आपको करना क्या है। तो पहले 6 मंथ्स में आपका थोड़ा इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है आपके फील्ड से। तो आपको ऐसा हो सकता है, मतलब हर हर केस में नहीं होता, लेकिन किसी केस में हो सकता है, बहुत हेक्टिक हो जाता है। स्पेशली जो हॉस्पिटैलिटीज़ की फील्ड है उसमें काम थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ऐसा होता है कि छोड़ दो ये सारी चीज़ें और दूसरा कोई कर सकते क्या। फिर ऐसी चीज़ आती है कि डाउट होता है बहुत सारे लोगों के कि अगर मुझे पसंद नहीं आया काम और मुझे अभी छोड़ना है हाउस बिल्डिंग और दूसरे दूसरे हाउस बिल्डिंग करनी है, तो कर सकते हैं क्या। तो हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो। आपको जिस भी फील्ड में चेंज करना है आप कर सकते हो, और ऐसा कुछ नहीं है। बस वही है कि अगर आपने 1 साल 6 मंथ्स कर लिया तो आपको चेंज करना है, तो फिर आपको फिर से फर्स्ट ईयर से चालू करना पड़ेगा। आपको ऐसे नहीं कि सेकेंड ईयर सेकेंड दूसरे कुछ फील्ड में सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। और ऑब्वियसली आप कर सकते हो, दूसरे फील्ड्स में चेंज कर सकते हो। अगर आपको सेम फील्ड में अगर किसी कंपनी आपको पसंद नहीं आया तो आप कंपनी भी चेंज कर सकते हो। तो ऐसी सारी चीज़ें होती है। और जब आप चेंज करते हो, जब आपका एड्रेस चेंज होता है, सारी चीज़ें होती है, तो आपको आउसलैंडिश बिहोर्ड पे जाके उनकी टर्मिन मतलब अपॉइंटमेंट लेके उनको बताना पड़ेगा। आउसलैंडिश बिहोर्ड मतलब जिनको जर्मन नहीं पता उनके लिए कि आउसलैंडिश बिहोर्ड मतलब फॉरेन ऑफिस, हाँ ऐसे बोल सकते हैं। तो वहाँ पे जाके आपको उनको बताना पड़ेगा कि ये रीज़न है, मैंने इसीलिए मेरा कंपनी मेरी जो कंपनी है मैं चेंज करना चाहता हूँ या मैं फील्ड चेंज करना चाहता हूँ, आपको आप उनको रीज़न बताओ। तो वो लोग समझते हैं और आपको फिर जो आपका ऑफेंटल स्टिटल होता है मतलब जो आपका रेसिडेंस परमिट होता है उस बिल्डिंग के लिए जो आपको मिलता है 3 साल के लिए, तो उस पर जो एड्रेस है और उसकी जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो चेंज करते हैं उनके सिस्टम में, वो आपको जो न्यू एड्रेस है आपका वो ऐड करते हैं, आपकी जो न्यू कंपनी है वो उसको ऐड करते हैं, और फिर आपको बस बट यही है कि आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेने से पहले आपको नया जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, नई आप जिस फील्ड में आप जा रहे हो, जिस कंपनी में नई ज्वाइन कर रहे हो, उसका कॉन्ट्रैक्ट उसकी सारी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, तो फिर आप उनके पास जाओ और चेंज करवा लो। ऐसे मतलब बहुत सारे लोग करते हैं ऐसे, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कि नई फील्ड में जाना फिर उस पर काम सीखना, ये सारी चीज़ें कभी कभी इंटरेस्ट चला जाता है और उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं, आप कर सकते हो, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं। हाँ ऑब्वियसली ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे फेक कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रैक्ट बनाते हैं, फिर उनको बहुत ऐसा नहीं होगा कि आप 10 बार चेंज कर लो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि फिर वो आउटलैंडिश बोर्ड में वो भी सोचते हैं, हाँ एक बार कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, अगर कुछ भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो। आपका रीज़न जेन्युइन होना चाहिए, रियल होना चाहिए, ऐसा कुछ फेक चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बस पैसे के लिए यहाँ पे 100 यूरोज मिल रहे हैं, वहाँ पे 200 यूरो ज़्यादा मिल रहे हैं उस हाउस बिल्डिंग, तो वहाँ पे चले जाओ, ऐसा ऐसा नहीं होता। आपको ऐसा मत सोचो कि इसमें पैसे ज़्यादा मिल रहे तो मैं वो कर लूँगा। आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, आपको जिसमें आपका करियर बनना है, उसमें सोचो। पैसे तो आपको बाद में मिलेंगे, आपको सैलरी जैसे मिलेगी तो वो आएंगे, लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी यही मेन डाउट होता है आई थिंक, क्योंकि अभी हम लोग मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए कि हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई कैसे करें, क्योंकि आगे अब जब सोचोगे यहाँ आके तो ऐसा नहीं कि एक बार आ गए तो कुछ लोग फिर वही करते रहते हैं, उनका मन नहीं करता फिर भी करते रहते हैं, लेकिन ऐसा भी एक ऑप्शन होता है अगर आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो। बहुत बहुत ही फ्लेक्सिबल जो ये प्रोग्राम है जर्मनी में हाउस बिल्डिंग बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और उतना ही एक स्ट्रक्चर बनाया उन लोगों ने। अगर आप उसमें मतलब अच्छे से करोगे ना वो पूरा, तो आपको बहुत ही मतलब उसके बेनिफिट्स है वो मिलेंगे,
और यही आज का वीडियो है। आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे आने के बहुत ही ये सारे डाउट्स आने लगते हैं, फिर प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसमें एक चीज़ मैं और एक ऐड करना चाहूँगा कि क्या होता है अगर आप एजेंट के थ्रू आ रहे हो, मतलब किसी एजेंट के थ्रू आ रहे हो, तो किसी कंसल्टेंसी के थ्रू आ रहे हो, तो क्या होता है अभी उस एजेंट या कंसल्टेंसी ने आपको ढूंढा है, आपको हायर किया है उस एम्प्लॉयर के लिए, और उस एम्प्लॉयर और उस कंसल्टेंसी का कांटेक्ट होता है, उनके रिलेशंस बिजनेस रिलेशंस होते हैं। मतलब ऑब्वियसली ये बिजनेस ही है ना, ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो रिक्रूट कर रहे हो उनका। तो आपको ऐसा नहीं कि आप अगर आप छोड़ के चले जाते हो ना, तो उस वो एम्प्लॉयर आपको नहीं पूछता, वो कंसल्टेंसी या एजेंट को पूछता है कि भाई ये चला गया, अभी उस बंदे का मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए, और वो भी फ्री में चाहिए। तो इसलिए वो कंसल्टेंसी एजेंट फिर आपको बोलता है कि आपने क्यों छोड़ा, ये सारी चीज़ें। तो उसमें थोड़ा चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इस झंझट में आपको नहीं पड़ना है। तो आप विदाउट एजेंट आओ, विदाउट कंसल्टेंसी आओ, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये एक डाउट है, क्योंकि आपको फिर एजेंट परेशान करता है कि आप क्यों छोड़ रहे हो ये सारी चीज़ें, और फिर वो डराता भी है कि आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको बस हाँ आपको कमिटमेंट नहीं करना कि एजेंट को या कंसल्टेंसी को कोई ऐसे लिख के नहीं देना कि हाँ मैं वहीं पे कंटिन्यू करूँगा, फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपने लिख के दिया उसको सारे डॉक्यूमेंट्स है उसके पास। तो ऐसी सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना है आपको, जो रियल अप्लाई कैसे करते, जो एक सीधा वे है इन चीज़ों को करने का, वो आप फॉलो करो, वो आपके लिए आसान रहेगा और फ्लेक्सिबल भी रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज़, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।